है, बड़ी खबर आपको बता दें, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर के एक बार फिर से जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। अजय चौटाला के बतौर सांसद कार्यकाल को आज भी याद कर रहे हैं लोग, ये कहा उन्होंने। मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है जेजेपी, दिग्विजय चौटाला ने यह कहा है। कल भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जेजेपी ने दावेदारी ठोकी थी। बीजेपी से समझौता हो या ना हो, अजय चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, ये बात कही है जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिग्विजय चौटाला लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ के दौरे पर उन्होंने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ से डॉक्टर अजय चौटाला चुनाव लड़ेंगे और इस सीट पर दावेदारी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी जेजेपी। जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव बहुत दूर हैं, लोगों का विश्वास जीतना है और लोग आज जो है वो रीजनल पार्टीज़ की ओर बड़ी मजबूती से देख रहे हैं। मैं जहाँ भी घूम रहा हूँ भिवानी के अंदर, तो विशेष तौर पर डॉक्टर अजय सिंह जी के काम को याद कर रहे हैं एज एम पी। आजकल के जो एम पीज़ होते हैं वो आपने देखा, बहुत सारे एम पीज़ तो गुमशुदा रहते हैं, अपने क्षेत्र का काम भी नहीं देखते। दुष्यंत चौटाला जैसे एम पी रहे या यहाँ पर डॉक्टर अजय सिंह जी एम पी रहे, उस कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं। लोगों के बीच में रहने वाले को ही नायक बनाने का काम करेंगे आने वाले समय। तो ये दावे अभी तो बहुत हवा हवाई हैं। जननायक जनता पार्टी बहुत मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारी में चुका है और लोकसभा के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्मस्थली रही है। ऐसे में इस सीट पर पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, ना केवल लड़े बल्कि देश के सबसे पवित्र और सबसे बड़े राजनीतिक मंदिर में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का जो हिस्सा है वो जेजेपी के हिस्से आए। और जैसा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का लगाव रहा इस क्षेत्र के लोगों से, तो उन्हें दोबारा इस क्षेत्र की सेवा का अवसर मिले और होनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई मानता है, अगर समझौता होता है, तो बाय डिफॉल्ट ही महेंद्रगढ़ और भिवानी की सीट, मैं तो बड़ा हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ना तो इस बात को तय करने वाला या फैसला करने वाला, मगर आपने कह ही दिया कि समझौता हो गया, उस सिचुएशन में मैं मानता हूं कि फिर इस सीट पे तो किसी का दावा बनता ही नहीं, तो निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सीट। और इसी खबर पर चर्चा करेंगे, मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अजय गुलिया जेजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं और प्रोफेसर विदुरावल भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर विदुरावल साहब मैं आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि अजय चौटाला के काम को आज भी लोग याद कर रहे हैं और आजकल तो सांसद गुमशुदा रहते हैं, क्या समझ रहे हैं इस बात से? देखिए, बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों से चुनकर आए हैं और वो अगर पूरा काम नहीं कर रहे, शायद उनके बारे में टिप्पणी है, उन्होंने किसी विशेष नाम को तंकित किया नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात ये जरूर कही कि जो काम करते हैं वो जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर हरियाणा के अंदर जीत कर आई है, काम के बूते जीत कर आई है, प्रूवन रिकॉर्ड है हमारा। जो लोग पहले सांसद रहे वो नहीं जीत पाए, वो चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ 10 की 10 सीटों पर लाखों वोटों से जीत कर आई है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के काम को मोहर लगा रहे हैं वो अपनी बात इस बात से कि, और सही भी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ट्राइब टेस्टेड और ट्रस्टेड एक रिकॉर्ड है। जनता हम पर विश्वास करती है, जो भी कमल का फूल लेकर अपने साथ खड़ा होगा उसके साथ मोदी जी की विश्वसनीयता जुड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत जुड़ते हैं, वो निश्चित तौर पर जीतेगा। वो कोई भी हो सकता है, वो अच्छा ही उम्मीदवार होगा, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करती है कि किसको कहां उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि 10 सीटें हम पिछली बार जीते थे और इस बार का स्थिति देखकर कंफर्टेबली 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कई बार बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, बाकी तो पार्टी करने को तो बताता है कि कैसा कहाँ रहना है, लेकिन उनकी बातों में से अगर विद इन द लाइन्स निकाल कर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एंडोर्स किया है, इस बात से एंडोर्स किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 10 उम्मीदवार पिछली बार जीते थे वो अपने प्रूवन रिकॉर्ड के कारण जीते थे, जनता के बीच में रहने के कारण जीते थे और दीपेंद्र हुड्डा जैसे जो लोग
जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, खुद दोनों बापू बेटा चुनाव हार गए, कुमारी शैलजा चुनाव हार गई, अशोक तंवर जो कांग्रेस के नेता थे और प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो चुनाव हार गए। ये सभी लोग जो है बड़े लोग चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि केवल जो है ये विदुरावल जी एक नाम लेने से आप बच रहे हैं, दुष्यंत चौटाला भी चुनाव हारे थे। देखिए तब हमारे साथ नहीं थे, अब हमारे साथ आ गए हैं, अब वो कोई चुनाव नहीं, तो इसीलिए आप नाम नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल। अजय गुलिया जी, क्या संकेत देने की कोशिश है, क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ पर दिग्विजय चौटाला देते हुए नजर आए, क्या वर्तमान सांसद पर ये निशाना था? नहीं, देखिए उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक बात की कि अगर आपने सवाल पूछ ही लिया है, मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर बात कर रहा हूँ। उन्होंने बकायदा इस शब्द का इस्तेमाल करके कहा कि अगर समझौता हो जाता है तो हमारा बिल्कुल दावा बनता है। ये तय करने का अधिकार तो दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के पास है, दोनों दल बैठ करके तय करेंगे कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना और कौन सी सीट किसके हिस्से आएगी, जननायक जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, ये तो मैं देख नहीं सकता। लेकिन उन्होंने, दिग्विजय चौटाला जी ने जो बात कही कि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, लोगों के बीच में रहे, लोग उनको चाहते हैं कि वो दोबारा से उनकी सेवा करें, अगर लोगों की ये मंशा होगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, दोनों पार्टियां मिलकर के तय करेगी और उसके बाद जो भी सामने होगा, क्योंकि ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन देखिए दिग्विजय जी ने बिल्कुल सदे हुए शब्दों में कहा कि हम एक ऐसी सिचुएशन पे, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि मान लो अगर गठबंधन हो गया तो क्या आप दावा करेंगे, बिल्कुल दावा करेंगे, दावा बनता भी है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला यहाँ भारी मतों से जीत करके आए थे, लोगों के लिए काम किया, लोगों की सेवा करी और लोकतंत्र में लोग तय करते हैं, गठबंधन हुआ और ये सीट हमारे हिस्से आई तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ेंगे और ये तय करने का अधिकार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोगों को है कि जिस प्रकार से उन्होंने सेवा करी थी उनको दोबारा मौका देना है, ये तय तो चुनाव में ही होगा और लोग तय करेंगे लोकतंत्र के अंदर। चलिए बहुत शुक्रिया अजय गुलिया जी और प्रोफेसर विदुरावल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। भिवानी की जो लोकसभा सीट है अब उस पर चर्चा जो है वो लगातार चल रही है।